ये हमने लास्ट टाइम किया, आज हमने क्या करना है, एक शेल है, एक स्फेयर है और अंदर से बिल्कुल खाली है, और इस शेल, ये शेल की सरफेस के ऊपर चार्ज है, ये शेल है और इस शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तभी डाउट है, तभी डाउट है, शो बात नहीं कर रहा, ठीक, तो ध्यान आ गए। तो इसके अंदर ये कैपिटल आर है और मेरे को ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, फिर मुझे ई निकालना है इसी बॉडी के अंदर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और फिर मुझे ई निकालना है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। मतलब मैं आपको इसमें 3 बार ई निकाल के दिखाऊंगा, एक शेल के बाहर, सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर। तो सबसे पहले शेल के बाहर बात करते हैं, तो शेल के बाहर बाहर सबसे पहली बात, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है शेल के ऊपर, ओवर इट्स एरिया, सरफेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डेंसिटी का कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस है स्फेयर का जिसके ऊपर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर। नेक्स्ट है, सपोज पहला केस है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे मैं ई निकालना चाहता हूं, तो सपोज ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल आर के ऊपर और मुझे स्मॉल आर पे ई निकालना है, तो गॉस ने क्या कहा था, जहां ई निकालना है वहां क्या लेनी है, गॉशियन सरफेस। अब मुझे पता है कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, अंदर भी और बाहर भी है। जब सारी गॉशियन सरफेस को मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर, ठीक, ये इमेजिनरी क्या आ गया, स्फेयर। तो मैं इस पूरे असाइनमेंट में भी और पूरे डायग्राम में भी मैं रेड कलर जान के यूज कर रहा हूं, रेड का मतलब है इमेजिनरी गॉशियन सरफेस, ये रियल में स्फेयर नहीं है, ये इमेजिनरी चलेगा। तो मैंने असाइनमेंट के अंदर भी रेड कलर जान के यूज किया है कि ब्लू का मतलब है एक्चुअल स्फेयर है और रेड का मतलब इमेजिनरी स्फेयर है, वहां है कुछ नहीं, हवा चल रही है, हवा ही है बेसिकली, कुछ नहीं है, वैक्यूम या एयर है, बट ये इमेजिन में, इमेजिनेशन में हमने इसका क्लोज बॉडी को बनाना है। पहला पॉइंट क्लियर। तो इसका सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस पॉइंट, क्लियर है, और ये प्लस है, अगर +1 रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहाँ है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में स्मॉल फ्लक्स इस पोर्शन का क्या होगा, ई इंटू ई डी एस कॉस 0, पहला स्टेप क्लियर है। तो फ्लक्स किसका निकलता है, क्लोज बॉडी का निकलता है, क्लोज बॉडी में कौन है, इसमें गॉशियन स्फेयर है, इमेजिनरी स्फेयर का। तो ई डी एस में इंटीग्रेशन करेंगे तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, अब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया को मिलाएंगे डीएस 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 के रेड कलर में, रेड कलर का रेडियस क्या चल रहा है, स्मॉल आर, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो एरिया क्या बनेगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है, बड़ा आर नहीं पुट करना, छोटा आर पुट करना है, क्योंकि इस केस में जब इंटीग्रेट करेंगे तो गॉशियन स्फेयर की इंटीग्रेशन होगी, वहां पर फ्लक्स निकल रहा है जो इमेजिनरी क्लोज बॉडी है। तो पहला स्टेप क्लियर है कि एरिया क्या करना है, तो हम जिसका भी, क्योंकि हमने गॉशियन स्फेयर का, इमेजिनरी स्फेयर का हमने एरिया डीएस लिया, तो इंटीग्रेशन करके एरिया भी इसी का निकलेगा। फिर गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि ये बताओ कि गॉशियन सरफेस कहाँ है, क्लोज बॉडी कहाँ है, आपने कहा ये गॉशियन सरफेस है, तो गॉस क्या कहता है, जो भी गॉशियन सरफेस है उसके अंदर बोलो कितना चार्ज है, तो आपने बोला चार्ज मुझे यहां तो कहीं दिख नहीं रहा, हवा में भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ यहां पे दिख रहा है, और चार्ज कितना चार्ज है इस ब्लू कलर के ऊपर, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जहां पर चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज कितने एरिया पे प्रेजेंट है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा आर नहीं, अब क्या पुट करना है, बड़ा आर, तो सिग्मा इनटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया बाय एप्सिलॉन नॉट, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो जब हम ई डॉट डीएस करते हैं तो रेड कलर का एरिया, लेकिन जब हम चार्ज निकालते हैं तो देखा जाता है फिगर में, याद नहीं करना छोटा या बड़ा आर, देखना है चार्ज मुझे यहां दिख रहा है और यहां का मतलब है एरिया कितना है, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, तो सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो यहां का चार्ज आ गया।
तो ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, फ्लक्स दो तरीके से निकाला, दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? तो E का फॉर्मूला अगर कल को न्यूमेरिकल आएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू रिमेंबर है, E का फॉर्मूला शेल के अगर आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकालना है तो सिग्मा बड़ा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट छोटा आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। कोई डाउट इसमें? तो एक केस क्लियर हो गया। दूसरा केस है कि अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के ऊपर है, मींस अगर मुझे ई शेल की सरफेस के ऊपर निकालना है, तो अगर मुझे ई शेल की सरफेस के ऊपर निकालना है, मान लो यहां पे निकालना है, तो पिछले फॉर्मूले में ये फॉर्मूला था शेल का, शेल में स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आंसर। तो शेल की सरफेस के ऊपर आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है। पॉइंट क्लियर है? शेल की सरफेस के इनसाइड, शेल की सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब एक काम करते हैं, शेल के अंदर चले जाते हैं, ये वही आपका शेल है, ये वाला ब्लू कलर का, शेल के इनसाइड का मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो गॉस ने क्या कहा था कि जहां पर ई निकालना चाहते हो वहां गॉसियन सरफेस लो, तो मैंने गॉसियन सरफेस ली, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है, तो मैंने इनको ज्वाइन किया, तो इमेजिनरी क्या बना गॉसियन सरफेस में, स्फीयर, पर इस बार स्फीयर बड़ा नहीं है, इस बार स्फीयर छोटा है, इसके अंदर बनेगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास गॉसियन स्फीयर आ गया, डीएस तो ऑब्वियसली यही बनेगा, तो जब आप इसका ई डीएस करेंगे किसका, रेड कलर का, रेड कलर का रेडियस क्या चल रहा है, स्मॉल आर, तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करेंगे जो भी होगा। तो किसी ने पूछा था ये एंगल जीरो होगा, आपको कैसे पता, वैसे ई होगा ही नहीं तो जीरो क्या होगा, मैंने वैसे पुट कर लिया, आप थीटा पुट कर लो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों, कुछ भी पुट कर लो, यहाँ पर ई की डायरेक्शन नहीं पता लग रही तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गॉस से जब पूछा गया कि आप इसका फ्लक्स क्या निकालते हैं, तो गॉस कहते हैं ये बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है, मुझे इसके अंदर कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, सारा सारा चार्ज कहाँ है, इसके बाहर है। पर गॉस ने क्या कहा था कि फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, जो बाहर चला गया वो नहीं करेगा, तो उसने साफ साफ बोल दिया क्योंकि कोई चार्ज इस रेड के अंदर नहीं है, इसलिए इसका फ्लक्स जीरो आएगा। तो अब मैं अगर इसको और इसको इक्वेट कर लूं, तो अल्टीमेटली एरिया एंगल जो मर्जी हो, ई की वैल्यू अल्टीमेटली क्या जाएगी, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी भी शेल के अंदर कोई भी चार्ज शेल होगा, आज के बाद ये चार्ज शेल है जिसके ऊपर इस तरीके से चार्ज है, इसके अंदर कोई मर्जी पॉइंट ले लो, ई क्या रहेगा, जीरो। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं, ये देखो बाहर जा रही हैं लाइंस, अंदर लाइन नहीं आती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड अ शेल इज ऑलवेज जीरो। तो ये तीसरा रिजल्ट है। आपको अगर ग्रेविटेशन थोड़ा सा भी याद हो, उसमें एक थ्योरम की थी जिसको बोलते हैं शेल थ्योरम, नाम सुना लगता है, शेल थ्योरम मैं लिख की दी थी, शेल थ्योरम भी लिख की थी। शेल थ्योरम यही बोलती थी कि ग्रेविटेशन के अंदर अगर एक शेल लेते हो, उस शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है और बाहर जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर होती है। तो वो जब मैंने करवाई थी तो मैंने कहा था कि उसका ई जीरो क्यों होता है, वो मैं प्रूफ प्लस वन में बता नहीं पाऊंगा, प्लस टू में बड़ी लंबी स्टोरी है, गॉस से इसको प्रूफ किया, देखो ये प्रूफ आ गया। तो उसका प्रूफ भी एग्जैक्टली वैसे ही चलता है। तो कहने का मतलब कोई भी शेल हो, किसी भी शेल के अंदर ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, जीरो होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इस इन रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए मैंने फिर से ये फॉर्मूलाज लिख दिए, तो आप चेक कर सकते हो। ये फिर से शेल है, शेल का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड में ई इज इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है। अब कभी कभी क्या होता है, वैसे ज्यादातर केस में सिग्मा गिवन होता है, ज्यादातर केस में न्यूमेरिकल्स में, ये एनसीईआरटी में भी आए, पूरी शीट एनसीईआरटी की है प्लीज, जितनी भी चल रही है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं शेल्स के इस रिजल्ट पे, ज्यादातर ऑप्शन सिग्मा की फॉर्म में चलती हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शेल का सिग्मा देने की बजाय
वो आपको टोटल चार्ज दे देता है, सिग्मा नहीं देता, चार्ज देता है, और चार्ज कितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4πr², और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू तो पता लगी गई, तो स्मॉल r की वैल्यू जैसे मैंने बताया, स्मॉल r पे e की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब सिग्मा का मतलब कितना चार्ज कितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना चार्ज है q और कितने एरिया के ऊपर है, 4π/r², ठीक। तो सिग्मा की वैल्यू इज q डिवाइडेड बाय 4π/r², अगर मैं यहां पर पुट करूं, और छोटा r नहीं बड़ा r, क्यों, क्योंकि चार्ज कितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4π/r². तो अगर मैं यहां पुट करूं तो कैपिटल आर कैंसल, वही पुराना फॉर्मूला 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मतलब अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं याद, कौन सा, E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला याद नहीं है और आपको क्यू वाला क्यू गिवन है, तो आप इस पॉइंट पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, और शेल के सारे डिस्टेंस कहां से ले जाते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल, ग्रेविटेशन की तरह, जैसे ग्रेविटेशन में सेंटर से लेते हैं, शेल के सारे डिस्टेंस सेंटर से हैं। तो ई का ये फॉर्मूला तो आप भूल नहीं सकते एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ये याद कर लो या ये याद कर लो, एक ही बात है वैसे तो, बट नॉर्मली क्या होता है, आपको क्वेश्चन सिग्मा की फॉर्म में गिवन होते हैं तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। चलो मान लो आप भूल गए, नहीं याद आया, कोई बात नहीं, ये तो नहीं भूल सकते कम से कम। एक काम करो, ये फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले में q को पुट कर दो, सिग्मा इंटू 4π R², तो जैसी आप इस वैल्यू को पुट करोगे, 4π ε0 सिग्मा इंटू 4π R² बाय R², 4π से 4π कैंसिल, आपका आंसर फिर से वही आ गया। मतलब फॉर्मूला भूल भी गए कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला बनाया तो जा ही सकता है। पॉइंट समझ में आया यहां तक, मतलब दोनों फॉर्मूलास का मतलब एग्जैक्टली सेम है। डेरिवेशन पूरी अगली बार ट्यूसडे को इस पूरी शीट का, सिर्फ इस शीट का टेस्ट है। मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा इस पूरी शीट में से ड्राइव करने के लिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आना है और डेरिवेशन का ही आना है, यहां तक ये सारा आएगा। टोटल एनसीईआरटी है ये, टोटल एनसीईआरटी एज इट इज आपको लिखने को आएगा, ठीक। अगली शीट जो आज आपको मिली है वो एनसीईआरटी के इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, और अगली शीट जो आपको मिली है वो फिर कॉम्पिटिशन की है, फिर उसमें और ट्रिक्स चलते जाएंगे। तो मतलब ये लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो वो शीट पे बता दूंगा कि कौन सी फॉर कॉम्पिटिशन है, कौन सी फॉर एनसीईआरटी है, ठीक। फिर मैं आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम दूंगा, ऑब्जेक्टिव, फिर आपको ट्राई करना है, ठीक। तो धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, बट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है दिवांश, ठीक। सो नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन बहुत आता है 1 नंबर में एनसीईआरटी में, और मेंस और नीट के अंदर भी बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कि आप ग्राफ प्लॉट करो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस स्मॉल आर का एक शेल के लिए। मुझे पता है कि शेल आर इज इक्वल टू 0 से लेके आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, यहां तक ई क्या देगा, 0। तो मुझे पता है कि अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब अगर आप रेडियस आउटर बाउंड्री से इनसाइड हो तो ई क्या रहेगा, 0, और अगर आप सरफेस के ऊपर हो तो ई की वैल्यू कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, मैक्सिमम होती है सरफेस के ऊपर वैसे बता दूं, और अगर आप दूर चले जाते हो तो स्मॉलर बढ़ता जाएगा, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें। तो मुझे पता है कि ये स्मॉल आर कैपिटल आर तक ग्राफ ही नहीं बनेगा, बिकॉज ई की वैल्यू क्या है, 0, फिर एकदम मैक्सिमम हो जाएगा ग्राफ, यहां से स्टार्ट होगा ई मैक्स से, और जब बाहर जाते जाओगे ग्रेटर देन कैपिटल आर में तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ग्राफ की वेरिएशन याद रहेगी, शेल की वेरिएशन है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये 1 नंबर में आता है, ड्रॉ दी वेरिएशन, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में, मेंस में, नीट में आम क्वेश्चन है इसका आना, ठीक। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपने एक चीज नोट की, एक शेल के सरफेस पे कितना भी चार्ज है उसके अंदर ई की वैल्यू हमेशा 0 है। तो अगर आप बचाना चाहते हो किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर मान लो आप एक किसी भी बॉडी को बचाना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ भी अफेक्ट ना करे, तो एक काम करो, इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक शेल ले आओ, खाली शेल,
हर तरफ से क्लोज्ड, उस बॉडी को शेल के अंदर रख दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज उसकी सरफेस पे तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अंदर ई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। तो आपने उस बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हुए भी बचा लिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बचा लिया। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगर बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर नॉर्मल, तो उस केस में आपको बचना है तो आप अपनी कार के अंदर बैठ जाओ उसको बिल्कुल बंद करके। इट एक्ट्स, इट इज़ अ कंडक्टर एंड इज अ क्लोज बॉडी। तो अगर उसके ऊपर कुछ लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग का मतलब चार्ज है, तो चार्ज कंडक्टर की बॉडी के ऊपर आ जाएगा और अंदर इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज बॉडी, अंदर ई की वैल्यू एब्सोल्युटली क्या रहेगी? जीरो। तो इसको बोलते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपना बचाव कर लिया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।